दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्यांग ट्राई साइकिल योजना के बारे में। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में जो योजना चल रही है, तो दोस्तों वो यहाँ पर ट्राई साइकिल के लिए किस तरीके से जो दिव्यांग हैं जिनका सर्टिफिकेट 80% के लमसम है तो वो किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था और दोस्तों ये भी सुनने को भी ये मिल रहा था कि हमें कौन सी वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है, जिससे हमें उस वेबसाइट का भी नाम मालूम होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर उनको वेबसाइट का मालूम नाम पता होगा तो दोस्तों वहाँ से भी ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं, चाहे तो अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों जाकर के यहाँ CSE पर किसी भी सेंटर पर भी जाकर के आप भी ऑनलाइन आवेदन करा पाएंगे। तो दोस्तों फारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाला हूं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक मैं इस तरह से बोलना चाहूंगा, अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि दोस्तों अगर कोई इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो दोस्तों उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो एक और दूसरा भी बना दूंगा, जिससे और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन हर किसी के पास भी होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने ही फ़ोन से किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो जिससे आप ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको कौन कौन सा प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आपके अंत तक देखते रहिए। तो चलिए अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन तरफ आपको चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फटाफट से अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र के यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है HWD। तो दोस्तों ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी WHD.UPHQ.IN। तो दोस्तों ये लिख करके आपको यहाँ पर सर्च कर लेना। वैसे तो इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो जाकर के वहाँ से भी सीधा आप इस पर आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना होगा। जब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, ताकि दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे जब तक हमारा नेट यहाँ पर थोड़ा स्लो चल रहा है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा ओपन फॉर्म जो होता है तो उसका ओपन खुल कर के आ चुका है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा इसको डेस्कटॉप मोड पर। तो दोस्तों मेरा ऑलरेडी पहले ही डेस्कटॉप मोड पर है, तो दोस्तों यहाँ पर टिक मार लीजिए। तो दोस्तों आपका यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये चीज़ आपको तैयार करके रख देनी है। तो दोस्तों दिव्यांग प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र की संलग्न और जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों ये अगर आपके ये सारी पांच चीज़ हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम आपकी 80% से होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसमें आपको क्या क्या लिखना है वो सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपको यहाँ पर प्रार्थी का नाम लिखना है, जो भी अपना कोई भी दिव्यांग है तो उसका नाम लिखना है। दूसरा यहाँ पर पति का नाम, पिता का नाम है तो उनका यहाँ पर लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पर जन्मतिथि डाल देनी है प्रार्थी की। और दोस्तों यहाँ पर प्रार्थी की आयु, अगर दोस्तों अगर इसमें जन्मतिथि डालने के बाद तो दोस्तों आयु इसमें अपने आप आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर लिंग यानी कोई भी जेंडर को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं या कोई भी हैं तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले जनपद, तो दोस्तों अगर आपको कौन सा जनपद लगता है तो दोस्तों यहाँ पर जनपद पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर तहसील को आपको सेलेक्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो भी आप निवासी हैं किसी भी गांव से, तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना गांव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मकान नंबर डालना है और गली नंबर डालना है, लॉटरी नंबर डालना है। अगर दोस्तों गली नंबर है तो लॉटरी नंबर को खाली छोड़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पूरा अपना एड्रेस है तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर अपने एक पिन कोड डालना है, जो कि आपकी पोस्ट ऑफिस नज़दीकी पोस्ट ऑफिस का डालना होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जाति, अगर जो भी किसी भी OBC जाति है, किसी कौन सी भी जाति है, तो दोस्तों यहाँ पर जाति भी डाल सकते हैं। जाति डालने के बाद में जाति प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक, तो दोस्तों इसमें आवेदन क्रमांक लिखा हुआ होगा तो दोस्तों उस आवेदन क्रमांक को यहाँ पर डाल सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, तो दोस्तों इसमें जाति आवेदन क्रमांक अलग होता है और दोस्तों जाति प्रमाण पत्र अलग होता है, तो दोनों ही उसमें लिखे रहते हैं तो उनको यहाँ पर डाल सकते हैं। डालने के बाद में यदि प्रार्थी
अल्पसंख्यक है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं पर टिक बना रखिए। यदि प्रार्थी प्रार्थना पत्र का व्यवसाय, अगर उनका कोई भी व्यवसाय चल रहा है तो दोस्तों इसका व्यवसाय का या ब्यौरा भी डाल सकते हैं। अब प्रार्थी के व्यवसाय का विवरण, तो पूरा का पूरा इसमें क्या प्रार्थी करता है तो उसका विवरण आपको डाल देना है। प्रार्थी की मासिक आय, अगर आपके मासिक यानी कि आपकी महीने में कितनी इनकम है तो उसको इनकम को यहाँ पर डाल दीजिए। अब दोस्तों प्रार्थी का आधार कार्ड डालना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड डालने के बाद उत्तर प्रदेश के निवासी की अवधि यानी कि कितने सालों से रह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जन्म से रह रहे हैं तो जन्म से यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर अगर आप जिस भी जो भी वहाँ पर उम्र लिखी हुई है 30 साल 35 साल जो भी है तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सरकार के देय अनुराशि के धनराशि स्रोत, अगर दोस्तों सरकार की तरफ से कोई भी धनराशि आपको मिल रही है तो उसको यहाँ पर डाल दे सकते हैं, अगर दोस्तों नहीं मिल रही है तो यहाँ उसको खाली छोड़ सकते हैं। और प्रार्थी की दिव्यांग प्रतिशत, अगर आपकी यहाँ पर 80% है तो दोस्तों यहाँ पर 80% डालिए, 75% है तो यहाँ पर 75 डालिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 80% से नीचे कभी भी मत भरिए इस फॉर्म को, तो दोस्तों यहाँ पर डाल सकते हैं। अब डालने के बाद में यहाँ पर बात बारी आती है अपलोड करने की, तो दोस्तों आपको सबसे पहले दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जो कि यहाँ पर PDF में अपलोड करना होगा। निवास प्रमाण पत्र जो आपको आपके पास ही होगा तो इसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आय प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करना है, और दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड को भी अपलोड करना है। आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद में जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी परेशानी आ जाती है, शैक्षिक संस्था द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, अगर आप शिक्षित हैं तो उसको यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर अपना एक फ़ोटो अच्छा सा चूज़ करने के बाद में यहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में अब दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर मांगे जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अंगूठा टेकते हैं तो दोस्तों अंगूठे का निशान को यहाँ पर सिग्नेचर डाल सकते हैं, और दोस्तों अगर आप अपना नाम यहाँ पर लिखना चाहें तो दोस्तों यहाँ पर अपना नाम भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर मैं पुष्टि पर यहाँ पर टिक कर दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद में तो दोस्तों आपको कौन सा फॉर्म फिल होके आएगा, अब दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले से ही अपना एक फॉर्म फिल किया हुआ है तो उसको मैं स्क्रीनशॉट आपको शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबमिट करने के बाद में कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो दोस्तों इसको आप अपने फ़ोन से प्रिंट कर लीजिए या कहीं से भी जो भी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वहीं से प्रिंट करवा के अपने घर पर रख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर रखने के बाद में आपको ये जो जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो आपने नज़दीकी कार्यालय में जमा करना होगा, जो कि अपने ज़िले के कार्यालय में आपको जमा करना होगा। जब वहाँ से आपका काम जो भी हो जाता है तो उसके बाद में आपको यहाँ से आपको कॉल की जाएगी या कोई मैसेज किया जाएगा जब आपको वहाँ पर उस कैंप में जाना है और आपको यहाँ पर ट्राई साइकिल को ले लेना है। इस तरीके से एलिजिबिलिटी हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए, वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो दोस्तों ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, और दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश से निवासी हैं तो दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचाइए, जिससे यार उनके भी अगर ट्राई साइकिल योजना में उन्होंने अपना आवेदन ऑनलाइन आवेदन नहीं करा पाया है तो दोस्तों वो भी अपना ऑनलाइन आवेदन करा पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नई वीडियो साथ, तब तक के लिए।